जाजू नहीं है, कोई इतना खास फेस नहीं था लेकिन मीडियम था, नॉर्मल था, तो मज़ा तो आया फेरी सीर में। लेकिन अब तो हमने इतने सारे झूले देखे, मुझे नहीं लगता फिर बचे, लेकिन बच्चे हैं काफ़ी सारे, कुछ तो बहुत ही स्लो है, कुछ जैसे कि ये शेप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो अब हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। हमारा प्लान बना है, हम यहाँ पे जा रहे हैं इस वाले झूले पे, और मैंने टिकट ले ली है, अभी हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं। झूला ले लिया है, इतना तेज नहीं था लेकिन मीडियम था, मजा आया गाइस। देखें मेरे लिए पोटैटो स्टिक आ गई, हमने पोटैटो स्टिक का ख्याल किया कि ऑर्डर करनी चाहिए, मैंने कहा कि पोटैटो स्टिक अच्छा है तो सबने कहा पोटैटो स्टिक मंगवा लेते हैं, तो अभी हम खाए पोटैटो स्टिक। कह रहा है वो बहुत टेस्टी है। मैंने अपनी पोटैटो स्टिक फिनिश कर ली है और अब हम जा रहे हैं सबमरीन में। सबमरीन में एक म्यूजियम बना हुआ है और अभी हम वहाँ जाके विजिट करेंगे कि कैसा है। सबमरीन का नाम है हंगोर सबमरीन, इसने 1971 में ये इंडियन शिप INS कोकरी को तबाह किया था। कैप्टन थे सर अहमद तस्लीम, वो सब कमांडर थे और वाइस एडमिरल बन के ये रिटायर हुए हैं, और ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं 10x10 जैसे ये आसान, ये जिसमें नाम भी लिखा हुआ है कि कब कौन किस टाइम कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं इसके। मतलब ये जो सबमरीन है ये रियल है? रियल सबमरीन है, 1967 में बनी है, 2003 तक ये चलती रही है समंदर में और 2007 में म्यूजियम में आई है। चलें, थैंक यू सो मच आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी।